बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टू कीमा। स्टार्ट करते हैं जी। हमारी जो आज की रेसिपी है बीफ स्टू कीमा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करूँगी और इसको हमें नरम कर लेना है। इसको हम गोल्डन नहीं करेंगे, इसको हम नरम करेंगे। ये देखिए जो है सॉफ्ट हो चुका है। बस आपने इसको सॉफ्ट करना है, आपने इसको बहुत फ्राई नहीं करना। तो अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 अदद तेज़ पत्ते, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। इसके साथ में गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। ये है मेरे पास 1 बड़ी इलायची, 3 मेरे पास छोटी इलायची है, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। 2 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास जावित्री का एक टुकड़ा है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मेरे पास ब्लैक पेपर है और लौंग है, ये मेरे पास थोड़ी सी लौंग है। ये लौंग लीजिए आप, 6 से 7 आप लौंग ले लीजिए और ब्लैक पेपर ले लीजिए आप। इसके अंदर ब्लैक पेपर मेरे पास 10 से 15 अदद ब्लैक पेपर ले लीजिए। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बीफ का कीमा 250 ग्राम। इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ये आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे। बाकी इसके अंदर मसाले और भी ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। अच्छा नहीं, ये देख लीजिए मेरे पास लहसुन के जवे हैं, ये है मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 4 अदद। इसके अलावा अदरक है मेरे पास, इसके अलावा अदरक है 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक। और इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी इसको कुक करने के लिए। एक गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं ना, ये जो है कुक हो रहा है, ये देखें। ठीक है, इसको मैं दबा करेंगे और पकाएंगे। अच्छा आप देख सकते हैं इसमें पानी ऐड किया था, कुक हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे नमक हल्दी जायका। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे दही, दही से आप प्लेट में 5 खाने के चम्मच से ऐड करेंगे दही के। इसको डालने के बाद इसको हम भून लेंगे। अच्छा देखिए, मैंने इसको भून लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, 5 अदद हरी मिर्चें हैं और गोल साबुत मिर्चें मेरे पास 5 अदद, आप उसको 5 से 6 भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड करी हैं और लाल जो गोल मिर्च होती हैं वो भी मैंने इसमें ऐड की हैं। अब इसमें जो है हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छा देखिए, अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जूनियन कट अदरक 1 टीस्पून और इसके साथ ही जो है हम इसमें ऐड करेंगे चॉप हरा धनिया। इसको मिक्स कर लें। इसमें आखिर में ऐड करेंगे चॉप हरा धनिया, इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। अच्छा देखिए, ये रेडी है, तो उसको हम कर रहे हैं सर्व। ये देख सकते हैं आप, हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बीफ स्टू कीमा रेडी है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। चपाती और नान के साथ आप इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा।
आप उसको डिनर पे भी सर्व कर सकते हैं, लंच टाइम पे भी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो उसको ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।